सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर साईं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात साईं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। आज माता मक्खन को मथ रही है और मथते हुए देख करके उधर मथाने चला रही है और इधर उसी मटकी से निकाल निकाल करके भगवान खा रहे हैं। माता कहती है, लाला ऐसो तू कैसे करे छोटो सो बालक। भगवान कृष्ण कहते हैं कि माता ये तो मैं आपको लीला दिखा रहा हूं, आप देखो और क्या क्या मैं दिखाऊंगा। माता कहती है यदि पूरा मक्खन को जूठा कर दे लाला तो जो मैं पूजा पाठ आरती के लिए की इकट्ठा करती हूँ वह सब दूषित हो जाएगा। लाला काहे को माने, स्वयं खावे और अपने सखा को खिलावे और इतना बस सीमित नहीं। जब एक छोटी सी टोली राम टोली श्याम टोली बना करके चले, जिस रास्ते से गुजरे, सुबह जहां जहां पहुंचे वहां हरेक घरों में मथानी से मंथन होता हुआ देखे, सीधा का सीधा धावा बोल दे अपने घरों में और जाकर के मक्खन को निकाल कर ले आए।